Krishna, 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 Krish
हो जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Yeah।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भक्ति योग बार बार जाए अर्जुन एवं सत्ता एवं सर्वाह परिवार से ये समान सब से शांति योग यथात्म वे तुझी
भाई, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपने पारदार कृपा से
इन दिनों इस साइक्लिंग की अति सुंदर और सुहावनी वेला में बैठते हुए हम लोग बड़े आदरमान और बड़े गौरव के साथ शरण कर रही है इन दिनों। यह अपनी कल्याणार्थ भक्ति से भरपूर द्वादश अध्याय जो हजूर ने प्रकरण चलाया हुआ है सजनों और देवियों, क्या कहूं। इंग्लिश में छोटी सी कहावत है, गुड वाइन नीड्स नो बुशेस, बुशेस गुड वाइन नीड्स नो बुशेस। जो अच्छी वृक्ष होता है उसकी बुशेस इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती। इसी प्रकार भगवान के इस 12वें अध्याय की जितनी महिमा मैं अपनी श्रद्धा और अपने प्रेम में गाऊं तो भी थोड़ी है, पर न भी गाई जाए तो प्रत्यक्ष रूप में अनुभव हो रही है, क्योंकि हमारे मन का अवस्था इसी प्रकार की है। हमारे अंदर की अवस्था भक्ति के अनुरूप है, क्योंकि हम सबके साथ भक्ति प्रिय है। महाराज जी का यह प्रसंग के पहुंचे हुए भगत किस तरह मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य हुए, बार बार हम पढ़ना चाहती हैं, मनन करना चाहती हैं, श्रवण करना चाहती हैं और अपनाने में पूरी दिलचस्पी लिया चाहती हैं। कहना इसे अपने जीवन का एक में एक अंग बना लूं। बार बार घर में बैठकर इस प्रसंग को खासकर 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक वो आप सबने कंठस्थ कर लिए हैं, वो और भी बहुत सुंदर और अच्छा है। भोजन बनाती बार, स्नान करती बार, कपड़े प्रक्षालन करती बार और भी घर के छोटे मोटे काम या बाकी धंधे करती बार महाराज जी किन श्लोकों को कंठ पे रखेंगे और भी बहुत अच्छा रहेगा। चूंकि परमात्मा का ये अटल नियम है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा बनते चले जाएंगे, ये मालिक का नियम ही अटल है। श्रद्धा वाय आयम पुरुषा यो यत श्रद्धा सैव स 17वें अध्याय साक्षी है। तो विचार हो रहा है, हम भी इसी पर विचार कर रहे हैं और भगवान हमारे पर कृपा कर रहे हैं। विशेष कृपा की विशेष प्रार्थना है कि महाराज जी कृपा के साथ विशेष अगर शब्द लगा दें तो हमारे पर विशेष कृपा हो जाएगी। ये गुण जो महाराज जी बता रहे हैं, हम आप सब कलयुग जीव हैं और फिर ग्रस्त आश्रम में हैं और उस पे कुछ शोचनीय बात ये कि बड़ी जिम्मेवारियां हैं, ये बहुत कुछ अद्भुत और विचित्र आपकी मनोदशा है, फिर भी हम सब अपना कल्याण किया चाहते हैं और भगवान के चरणों में दुआ गो है कि जैसी हमारी शुभ भावना है प्रभु अवश्य में पूरी कर दिखलाएंगे। क्योंकि हमें बहुत बड़ा ढारस है भगवान के इन शब्दों का जो सजनों और गीता जी में देवियों कहा, सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की जो दुश्मन न हो धर्म ईमान की। बहुत उत्साह हम सबको मिलता रहता है, एक विशेष मन के अंदर उमंग पैदा होती जाती है जो जो हम भगवान के इन मधुर शब्दों का, मधुर भाव का और मधुर प्रतिज्ञा का, ये भगवान की प्रतिज्ञा है, ये भगवान के वचन है कि जहां भी शुभ और धर्म अनुकूल इच्छा होगी उसके पीछे मैं हूंगा। धर्म अनुकूल इच्छा भगवान की इच्छा है देवियों, तो इससे बढ़कर धर्म अनुकूल क्या होगा कि भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहती है, आपने अपने जीवन को निखारना चाहते हैं और एक बहुत सुंदर मोड़ अपने जीवन को दिया चाहते हैं। अवश्य प्रभु हमारे इस विनती को और उन्हीं के दिए हुए वचनों को जो हम स्मरण कराएंगे मुस्कुरा देंगे और हमें अपनी ओर से विशेष शक्ति प्रदान करेंगे। श्लोक जारी है 16वां श्लोक, अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीना गत्वता सर्व आरंभ परित्यागी याओ मद्भक्ता सामे प्रिया हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। भगवान की प्यारी अनपेक्षा अर्थात वासना कामनाओं से ऊपर उठते हैं, वो जरूरत से भी ऊपर उठ जाती है, उन्हें कोई जरूरत महसूस नहीं होती, इतने महाराज जी की ओर अपने मन को झुका लेती है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जरूरियात जिंदगी जो परम आवश्यक आवश्यकताएं हैं जिनके बिना शरीर का रहना भी नितांत असंभव है, वो इनके भी वो नहीं परवाह करते, न परवाह करें, पर परवरदिगारे आलम परवाह किए बिना रह ही नहीं सकता। क्या कमाल का नियम,
जब हम परवाह करते हैं तो भगवान नहीं परवाह करता, जब उच्च कोटि का भगत अपनी परवाह करना छोड़ देता है तो भगवान उसकी परवाह करने लग जाते हैं। करु हादते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। यो खेमाऊ वहाओ मिया हम, कह लीना हमारे नाथ, हमारे अंतर्यामी, हमारे जगत गुरु भगवान कृष्णा रह ही नहीं सकते। जब हम अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं, पूर्ण अपने आप को उनके दे दिया जाता है, रोम रोम जब मेरा और आपका मोर उठता है और सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, बस अगर हम मन वचन कर्म से एक होकर पुकारते हैं तो हमारी पुकार सर्वेश्वर अवश्य में सुन लेते हैं। तो फिर क्या उन्हें करना ही है, फिर तो वो नाम के रंग में अपने आप को तल्लीन रखते हैं। समझो इसलिए हैरानगी की कोई बात नहीं, हम जब उच्च कोटि के भक्तों की जीवनियां अश्रु प्रेम कहलाते हुए सुनते हैं, प्रेम अश्रु से उत्प्रोत अपने लोचनों को देखती हैं तो हैरान हो जाती है कि उन्हें कहां अपनी चिंता की, उन्हें चिंता करने की जरूरत ही क्या थी, जब सब कुछ करने वाले भगवान उनके अंग संग है। बढ़ू आगे, ये गुरु बड़े कमाल का है, जूझो आप एडवांस होंगे देवियों, जूझो आप अपने आप को और लगाओगी आगे और जुटोगी तभी ये गुण अनुभव होगा। मेरे प्रभु ने, मेरे इष्ट देव महाराज जी ने जितनी मुझे प्रेरणा दी उतनी ही मैंने आपको समझा दिया, विस्तार कर दिया। मैं नहीं कह सकता कि मैंने बहुत इंसाफ किया, नहीं कह सकता, जितनी मेरे प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी यथा मत यथा शक्ति समझाने की कोशिश की गई। बाकी ना इसका अनुभव बढ़ते चलिए, यथा संभव अपना पुरुषार्थ करते चलिएगा तो अनपेक्षा का पूरा मजा, अनपेक्षा का पूरा अनुभव समय पाकर होगा, जरूर होगा। बढ़ता हूं सरकार आगे, इस बड़ी सुंदर अलौकिक एवं दिव्य बन रही गुणावली कहूं या गुणों की लड़ी में भगवान लो एक और कड़ी लगाना चाहते हैं। इस सुंदर अलौकिक चेन के अंदर महाराज एक और लिंक ऐड किया चाहते हैं। शुचि अनपेक्षा शुचि, अब शब्द लगाया शुचि, देखिए बच्चे शब्द लगाने में प्रभु शुचि का अर्थ होता है पवित्रता, शुचि का शाब्दिक अर्थ है क्या, पवित्रता निर्मलता स्वच्छता, स्वच्छता निर्मलता पवित्रता प्योरिफिकेशन। हाँ ये आप समझिए, जब हम कहते हैं पवित्र तो हमारे सामने शरीर का आ जाता है कि शरीर का प्रक्षालन करना, शरीर और कपड़े अपने धुले साफ हुए में पहन लेना, अपने हाथों को मिट्टी से या साबुन से साफ कर लेना, हम इससे समझते, लेकिन ये बहुत थोड़े अर्थ है। हमारे धर्म आचार्य और विशेषकर गीता रहस्यकार ऐसा नहीं मानते, वो कहते ये पवित्रता नहीं है, पवित्रता सच्ची क्या होती है आंतरिक, यथार्थ पवित्रता मेरी देवियों और अब कल्याण कामिनी माताओं भीतर से शुरू होती है, क्योंकि इंसान यथार्थ रूप में क्या आकृति नहीं है प्रकृति है। अपनी मातृभाषा के दो शब्द मेरे से लीजिए, आकृति कहती है सूरत को और प्रकृति कहती है सीरत को। इंसान सूरत नहीं, भले ही आजकल के गैर बीते जमाना के अंदर हम सूरत को ही सब कुछ समझे बैठे हैं, बारी शक्ल को ही सब कुछ समझते हैं, ये एरी से चोटी के बीच में ये इस टेप से टेप टू टो हम इसी को सब कुछ समझते हैं, इंसान की पर्सनैलिटी को इतना ही समझते हैं, इतना ही इंसान के महले वकू, इतने इंसान के एरिया हम समझ लेते हैं कि ये, लेकिन नहीं, जिनके श्री चरणों के हम दास है वो इंसान को ये नहीं समझते, बल्कि वो कहते हैं अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। मेरी और आपकी तस्वीर ये नहीं जो शॉर्ट स्नैप हम कैमरे द्वारा क्लिक कर लेते हैं, नॉट दैट, बट हम जो अंदर है, मैन इज माइंड, न्यूटन का ये शब्द बड़े कमाल के हैं, इंसान मन है तन नहीं है, तन पर तो उसका प्रभाव पड़ता है मन का, मन पर तन का प्रभाव पड़ता है, फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड, कभी आप भूल सकते हैं, चेहरा मन का दर्पण है, चेहरा मन का दर्पण है, अंदर क्या हो रहा है देवियों और कल्याणकामी सज्जनों फौरन चेहरा बता देता है, तत्काल हमारे चेहरे पर उसकी आकृति आ जाती। तो कहिएगा मानिएगा इंसान आकृति नहीं है प्रकृति है, इंसान इज नॉट अपीयरेंसेस बट इंसान इज माइंड, मैन इज माइंड, मैन इज थॉट एंड डिसीजन, इन दोनों को हम कहेंगे थॉट प्लस डिसीजन, डिसीजन प्लस थॉट इज इक्वल टू मैन। इसका मतलब ये हो गया कि इंसान आंतरिक है बाह्य नहीं है। आप हम लोग जो अपना कल्याण किया चाहते हैं मादा प्रस्थी से अपने मन को उठाएंगे, जो सिर्फ अपने आप को बाहरी रूप में मानते हैं कदों क्यामत तक अपने आप को महदूद कर देते हैं,
सर आप अब मैं जैसे मैंने कहा एड़ी से चोटी तक यानी टिप से टो तक अपने आप को मानते हैं वो मादा प्रस्त है वो बिल्कुल ही भौतिकवादी है या मटेरियलिस्टिक टू द बैकबोन बिल्कुल मटेरियलिस्टिक है और वो जलील होते हैं खराब होते हैं क्योंकि इसका आधार कुछ भी नहीं है। मादियत दिन प्रतिदिन बदलती रहती है अपीयरेंसेस में दिन प्रतिदिन अंतर आता रहता है। तो जब भगवान कहती है मेरे भगत पवित्र होते हैं तो हमें आचार्य कहती है बिल्कुल अंदर घुस जाइए और बुद्धि को टटोलिए मन का निरीक्षण कीजिए इन दोनों को देखिएगा क्योंकि भगवान आंतरिक रूप में देखते हैं भगवान बाह्य नहीं देखते। कई बार मैंने कुछ आपको हैरानगी में डाल दिया है क्षमा करना भगवान किसी के कर्म नहीं देखते भगवान भावना देखते हैं और भावना विषय मन का है कर्म विषय तन का है। हमारी आंतरिक भावना ही सजनों हाँ बाह्य कर्म रूप में ट्रांसलेट होती है आंतरिक भावना ही कर्मों में रूपांतर होती है या रूपांतरित होती है। हमारी आंतरिक भावनाएं मैं बहुत शब्दों का इस्तेमाल ऐसा कर रहा हूं मेरी शायद कुछ माता है ना समझ पाए मेरे पास और कुछ शब्द नहीं है। हमारी आंतरिक अंदर की भावनाओं का प्रगट या प्रागट्य बाहर के कर्मों में होता है। इंसान क्या है उसके कर्म उसको बताते हैं या यूं कहिए उसकी भावना क्या है उसके कर्म बताते हैं कि उसके कर्म क्या है कि वो कैसे कर्म करता है तो उसी प्रकार की भावना बनेगी। तो इसलिए मैं कहा जाता है हमारे भारत में हमारा उच्च कोटि का अनुपम में मिसाल हिंदू धर्म पुकार के कहता है क्या 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 क्या, क्या, क्या कहता है भावना कर्म से प्रधान है कर्म प्रधान नहीं। आज करके बुद्धू इंसान चाहे पढ़े लिखे हैं एजुकेटेड फूल ये कहती है जो एक्शन इज एवरीथिंग नॉट फीलिंग इज एवरीथिंग नॉट दी एक्शन बट दी फीलिंग। आइए जरा रिकंसिडर कीजिए और जिनको ये फजूल के निर्णय है उनको ऊपर जो है हड़ताल फेरिएगा। ए बेटी कभी भी किसी बात को टिकट फॉर ग्रांटेड लिया करो सोचिए बार बार सोच रहे भगवान ने मौका दिया है कि हम पुनः विचार करें पुनः निरीक्षण करें पुनः निर्णय करें। सत्संग में आने का मतलब यही है पुराने निर्णय को छोड़े पुनः निर्णय करें रिकंसिडर हम रिकंसिडर करें रीडिसाइड करें हम बार बार सोचे कि जैसे तो फीलिंग होती है कर्म तो सारे एक जैसे करती है लेकिन उनका ट्रेंड ऑफ माइंड क्या है उनका मेंटल एटीट्यूड हमारी भावना इज इक्वल टू मेंटल एटीट्यूड उनका मेंटल एटीट्यूड क्या है बेटी उनके आंतरिक भावना क्या है भावना के अनुसार ही फल मिलता है। आहा वो सुनने में आता है बारीक रूप में बोलते हैं वो उनके कर्मा दे नबेड़े इत्तेजाद किसे कुछ नहीं वो ठीक है बाहरी रूप में कोई नहीं देखेगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है हाँ संसार में रहकर इसने किस भावना के अनुसार क्या क्या किया ये देखा ये जाता है तेरे आमाल नामा से ही तेरा फैसला होगा भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा। अरे कोई देखे ना देखे पर कन्हैया देखता होगा वो हमारी स्नेह तो देखती है सर्वव्यापी है नेत्रों में उन्हीं का निवास है अंतःकरण में उन्हीं का निवास है वो तो टुकड़ टुकड़ देख रही है ना। आइएगा मन में बिठा लेंगे भावना प्रधान न के कर्म प्रधान भावना के अनुरूप ही हम लोग कर्मों में अपने आप को उतारते हैं। इसलिए जब भी ये विचार भगवान देते हैं या ये शर्त लगाती है या ये गुण हमारे सामने रख देती है मेरे भगत पवित्र होते हैं हाँ किस रूप में चलो मैं बुद्धि में आपको ले चलूं बुद्धिया काम है निर्णय करना बुद्धिया काम है फैसला देना बुद्धिया काम है डिसाइड करना बड़ी जरूरी है बहुत ही जरूरी है। बुद्धि को ब्रेक माना जाता है ब्रेक नॉट ऑफ द स्पेलिंग बी आर ई ए के बट बी आर ए के ई ब्रेक जैसे हम हर अपने ऑटोमोबाइल के साथ ब्रेक लगी हुई देखते हैं और जहां भी होता है हम फौरन अप्लाई कर लेते हैं ब्रेक जब कोई ऐसा आ जाता है कोई नीचे आने लगता है तत्काल ब्रेक लगती है और दोनों पहिए जाम हो जाती है या सारे पहिए आपके बसों के जाम हो जाती है जब अचानक ब्रेक लग जाती है गुड। इसी तरह बुद्धि ब्रेक लगाती है मन के ख्यालों को और बाहर के कर्मों को तो दारोमदार हमारे बुद्धि के फैसला पर या बुद्धि के निर्णय पर है। अब भगवान क्या कह रहे हैं मेरे भगत पवित्र होती है उनके निर्णय में एक ही निर्णय है जो इंसान अनेक निर्णय निर्णय के साथ एक और जानकारी कराओ बहुवचन नहीं होता निर्णय हमेशा सिंगुलर होता है निर्णय बहुवचन नहीं होता है निर्णय को हम बहुवचन लेंगे निर्णय एक वचन रहेगा बहुवचन नहीं। अगर निर्णय का आप जमा करेंगे तो गलत बात हो जाएगी इरादा और सारे जिंदगी के अंदर एक इरादा किया जाता है दो इरादे हैं हाँ या तो मैं कंचन कामनी कीर्ति इतनी कमाऊंगा या इस जहान से बनाने वाले के दर्शन करूंगा वह दो इरादे हैं दो इरादे जहान या भगवान एक तो ये मैं जहान की ओर इंक्लाइन हूंगा दूसरा मैं भगवान की ओर अपने आप को लगाकर अपना जीवन सफल करूंगा गॉड
चार पांच छह इरादे नहीं होते, जो बाकी इरादे हैं वो एक शब्द जहान में आ गए। ये कंचन का निकलते ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग इज इक्वल टू जहान, काका इज इक्वल टू जहान या संसार या सृष्टि। तो भगवान के प्यारों का एक डिसीजन होता है, क्या महाराज जी के अनमोल कथन को मैंने अपने जीवन का अंग बना लेना है, चाहे मुझे कितनी ही कठिनाइयों का, कितनी ही कलेशों और आपत्तियों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं डट के करूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने इस इरादा से या अपने इस निर्णय से विचलित नहीं हूंगा, अनेक रूप से मैं बढ़ता रहूंगा। जो मेरे भगवान ने कहा है वो अपने सामने अपने भगवान को रख लेते हैं, जहान वाले अपने सामने इस और उसको रखते हैं। वो उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती कि अगर मैंने इस उसको रखा है तो क्या ये शांत है, पर उनको भुलेवा होता है बाहरी कपड़े देखकर, बाहरी करों पर देखकर, बाहरी वैभव और ऐश्वर्य को निहारते हुए वो देखते हो कितने शांत है, कितने आनंदित है। लेकिन अगर आंतरिक रूप में देखा जाए तो वो कभी भी इनकी नकल ना करे, चूंकि हर बाहरी इंसान को जो मादा प्रस्थ या भौतिकवादी है उसके बारे में ये कहा जा सकता है ऊंची दुकान फीके पकवान, बाहरी रूप में ऊंचे हैं सजनों और देवियों लेकिन आंतरिक रूप में बस कोई हालत नहीं है, बहुत दुखी है, बहुत ही जो क्या आपत्ति ग्रस्त है, बहुत ही बेचारे हैरान और परेशान है। आइएगा हम लोग जो कोई विचारशील बनते जा रहे हैं, हमारे पास जो भगवान की विशेष कृपा होती जा रही है और भगवान का विशेष ज्ञान मिल रहा है, हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक विचार करेंगे और देखेंगे कि ये लोग या मैं इनकी नकल नहीं कर सकता, मैं कभी भी इनके कॉपी नहीं करूंगा, क्यों कैसे करूं मैं इनकी नकल करूं कैसे, ये खुद तो अशांत है, खुद तो बीच में खाए जा रही है। इसलिए भगवान के इन शब्दों को हम चूमेंगे, चाटेंगे, अपने सीने में रखेंगे। बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करेगी कबूल, ये गीता जी का फरमान है कर्मयोग के अंदर। और हमारी नजरों में, किसी की नजरों में महमे से कोई सरकार नहीं, किसी देवी भगवती की नजरों में कोई और, तो हमारी नजरों में बड़ा आदमी भगवान से बढ़ के ना कोई था ना कोई होगा। 16 कला अवतारी कृष्ण से बढ़कर न भूतो ना भविष्यति। विशाख अपने अंदर घुस के देख लो, पक्षपात रहत या निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल होके देख लीजिएगा, हमारा इससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो हमारे लिए दी ग्रेटेस्ट, मत बोलिए जबान आपकी कट जाएगी, वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट ना कहना, दी ग्रेटेस्ट इनकॉर्नेशन ऑफ ऑलमाइटी इज इक्वल टू लॉर्ड कृष्णा, दी ग्रेटेस्ट अनपैरेलल यूनिक एंड मैचलेस लॉर्ड कृष्णा, उससे बढ़कर हमारे नजरों में न था ना होगा, कदापि भी नहीं, उनसे बढ़कर किसी भी सूरत में। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अगर हम एक एक एस्पेक्ट को देखते हैं अश अश कर गुजरती, अगर कोई पक्षपाती हो तो जुतियां खाता रहे, और अगर कोई पक्षपात को छोड़ दे और भगवान को ध्यान से देखे तो मेरे से भी कहीं ज्यादा भगवान की उपमा गाने लग जाएगा। एंड एवरी रिस्पेक्ट व्हाट सो एवर, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट देवी भगवती, भगवान के कई स्वरूप है, हम किसी भी स्वरूप को लेते हैं अशक्तिय में रह नहीं सकते, अप्राणिबाल एंड अप्रिय शेवाल नो डाउट। तो आइएगा सरकार, जब महाराज जी कहते हैं बड़ा आदमी जो बनाया सूल, मेरे सामने भगवान कृष्ण मुस्कुरा देते हैं, आपके सामने मेरे इष्ट देव जी मुस्कुराने लग जाने चाहिए कि इनसे बढ़ के बल वाला कौन होगा, इनसे बढ़ के बड़ा और कौन होगा। बस फिर जो उन्होंने कहा है मेरे और आपका जीवन का अंग बना ही चाहता है, बना के बना। बस जैसे कि किसी पुरुष स्त्री का आपस में बड़ा प्यार होता है, जब प्यार बहुत बढ़ जाता है तो स्त्री कहती बस मैं अब आपकी बनी बनी के बनी, बहुत ही जल्दी मैं आपके आंगन में आकर के अपने क्या 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 कर रहूंगी, बड़ी जल्दी आए चाहते हूँ, आहा मेरी पंजेबी आपके आंगन में सुनाई देंगी, आई कि नहीं आई। ऐसे ही जब भगवान के प्रति किसी को अत्यंत प्रिय हो जाता है तो प्रभु अब आपका मैं बना के बना और आपका मैं अपने सीने में लाया के लाया। वो जरा इश्क मजाजी है, ये इश्क हकीकी है, वो शारीरिक प्यार है और ये पारमार्थिक बलिदान है। मैं इसे प्यार भी नहीं कहूंगा, मैं इसे बलिदान कहना चाहता हूँ, समय नहीं है पर मैं अपने आप को समझाता कि क्यों मैं बलिदान कहता हूँ। वो शारीरिक प्यार होता है, वो स्वार्थ का प्यार है, ये पग पग पर क्या बलिदान है, कुर्बानी है, सेक्रीफाइस है, पग पग पे सही रूप में सेक्रीफाइस तो परमात्मा के प्यारे करते हैं, जहान के प्यारे नहीं, ही शी क्या खाक कुर्बानी करेंगे, उनको शरीर का प्यार है, अंगों का प्यार है, स्वार्थ का प्यार है, लेन देन का प्यार है, एक दूसरे की वासना की पूर्ति करना चाहते हैं भले पूर्ति ना हो, उसको हम प्यार नहीं कहेंगे, उसको हम स्वार्थ कहेंगे। अगर दुनिया में कोई प्यार है तो भक्त और भगवान का प्यार, जहां भक्त कुर्बानी कुर्बान हो जाता है, और प्रेम का तकाजा भी यही है जो कुछ है फिदा कर दे, फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर दे, तकाजा है प्रेम का। ओ मेरी ननी मुन्नी विचारशीला और कल्याणकामी बेटी,
मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे, और हमारे पास है क्या? भगवान का दिया हुआ, भगवान के चरणों में अर्पित है मन और बुद्धि। हमें तीन जो भगवान ने उपकरण या इक्विपमेंट्स दिए हैं, बुद्धि मन और तन, तीनों ही हजूर के श्री चरणों में समर्पित। अपनी वस्तु लेके भगवान गदगद हो जाते हैं और गदगद होकर देखते हैं कि मेरे भगत ने मेरी ही अमानत में खयानत नहीं किया और मेरे ही हवाले आदर मान से कर दिया। बुद्धि भी समर्पित, मन भी समर्पित। जब इन शब्दों को हम चूम के भगवान को अपना के रख देती है, दिलो अक्ल जो मुझ पे कुर्बान करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। दिलो अक्ल दोनों भगवान, भगवान की वस्तु भगवान के चरणों में दिलो जान से रख दी तो भगवान मुस्कुराते हैं, बस 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 रहमत तेरी हालत पे खाता हूं मैं और आया घर तेरे दिल में बनाता हूं मैं। फिर तो भगवान का ये इकरार है बेटी, भगवान का ये वचन है कि जब कोई अमानत में खयानत नहीं डालता और पूरे रुपए अपने बौद्धिक मानसिक और शारीरिक रूप से या इंटेक्चुअल मेंटली एंड फिजिकल है महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, बस नाइदर मोर नॉर लेस, वो हजूर के चरणों में एक हुआ चाहता है कि हुआ के हुआ। सो आइएगा मेरे सजनों और देवियों, पवित्रता शुरू होती है बुद्धि से और बुद्धि का काम है निर्णय करना, तो निर्णय एक ही हो जाता है क्या कि मेरे भगवान ने जो कुछ कहा है, कहीं कहा है बड़ा आदमी जो बनाया सू मेरी और आपकी नजरों में दिग्गेस्ट पर्सनैलिटी पुरुषोत्तम, दिग्गेस्ट पर्सनैलिटी को हम इज इक्वल टू कहेंगे पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। जो कुछ उन्होंने कहा है बुद्धि में रख लिया, बस शरीर रहे हमारी बला से ना रहे लेकिन भगवान का फरमान हमारे अंदर हमेशा रहेगा, महाराज जी का फरमान हमारे मेरे और आपके अंदर हमेशा रहे, चाहे कितनी मुसीबतों और कठिनाइयों का मिजरीज और कितनी डिफिकल्टी अफ्लिक्शंस का हमें मुकाबला करना है, डॉट क्या हमें केयर अपने लॉर्ड की है, हमें केयर वर्ल्डली अफेयर्स की नहीं है, दैट्स ऑल। जब ये बात बन गई तो बुद्धि पवित्र फौरन पवित्र। ऐसा कैसे आप कह सकती हैं? कह सकता हूं अनुभव करके देखिए, भगवान ने स्पष्ट कहा है उसे भी समझ ले कि साधु है वो। आगे पता नहीं मेरी नारियां क्यों हिल गई हैं बेटे, उसे भी समझ ले कि साधु है वो। आगे इरादा में नेकी के यक्षु है जो, इतनी इरादा में ताकत है अरे बेटे, डिसीजन और अपने निर्णय में इतनी शक्ति है कि महाराज जी ने गजब ठा दिया ये कह करके, कोई आदमी घर से बदकार है अरे आपकी तो बात ही क्या, आप तो जन्म से भगवान के प्यारे और नेक और अच्छे हैं, भगवान गंदे से गंदे व्यक्ति को वर्स्ट पॉसिबल मैन को कह रहे हैं, यू आर बेस्ट पॉसिबल हियर लॉर्ड कृष्ण सेज इन 9th चैप्टर वर्स्ट पॉसिबल मैन की बात कहती है, कोई आदमी घर से बदकार है मगर मेरा दिल से प्रस्तार है, उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा करारो सकू दाय। किसी को विश्वास हो या ना हो हमें पूर्ण से भी ज्यादा पूर्णतम विश्वास और निष्ठा है, क्योंकि हमारी पुराण बताती है कि बड़े बड़े खूनी मुनि बन के क्या 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 वाल्मीकि के नाम से पुकारे जाने लगे, बड़ी बड़ी वेश्याएं भगवान के चरणों की योगन बन के हां पिंगला के नाम से पुकारी जाने लगी, हाय बड़े बड़े विलासी हां भगवान के प्यारे बिलवा मंगल बन के नाम के पुकारे जाने लगे। एक नहीं अनेक दृष्टांत है भगवान के चरणों में पढ़ के अनेक कितने ही तर गए, इसलिए तो आजकल के महापुरुष गदगद होते हैं ये कहते हुए क्या क्या भगवान से बड़ा भगवान का नाम, आहा भगवान उतार लेती है तो थोड़े से उतारती है और भगवान का नाम हजारों लाखों को उतारता जा रहा, आहा हाय प्रभु जी के नाम ने तो, चलो जरा मेरे साथ उतर जरा पुल, चलो जहां भगवान राम की पुल बांधी जा रही है, जरा रामेश्वरम में तशरीफ लाइए, प्रभु जी के नाम ने तो पाथर भी तारे वह लिखते जा रहे हैं और वो तरता जा रहा है, आए प्रभु जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, हाँ क्या 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 आए है, बद किस्मत है वो जो ना जपे, जो प्रभु का नाम नहीं मार जपते, हाय वो है किस्मत के मारे, जो ना जपे नाम वो है किस्मत के मारे, नहीं तो प्रभु जी के नाम ने तो पाथर भी तारे कमाल कर दिया, कमान इरादा में, इरादा में मतलब ये होता है फिर कट जाए आदमी मर जाए पर कभी ना हिले, जिसको नामी पातशाही भी अपने श्रीमुख से गुरु तेग बहादुर फरमाती है, बहुत जिनादी पकड़िए सर दीजिए बहा न छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोले आ सर पइए धर्म न छोड़िए, जब एक बार ले लिया तो बहा जिनादी पकड़िए, हजूर का बहा पकड़ लिया मालिक की सर पइए धर्म न छोड़िए, कट जाएंगे लेकिन महाराज जी को से हट ना जाएंगे, कट जाएंगे पर हट ना जाएंगे, डटे रहेंगे, इसको बोलते रहते जो मेरे भगवान ने कहा इसी में मेरा कल्याण है, इसी में बेहतरी भगवान के बुद्धि निर्मल, उसे भी समझ ले, ये दुराचारी लपट कमीनी विलासी और ऐबो से भरे हुए को कह रही है उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है जो, जिसने इतना पक्का इरादा किया अर्जुन उसके धुल जाएंगे, और हम तो भगवान के प्यारे हैं, किस लोगों के सिर नहीं काटते थे, दुराचारी नहीं थे,
अरे हम तो भगवान की किसी टू सम एक्सटेंट आर टू ग्रेटर एक्सटेंट भगवान के प्यारे हैं, अगर वो अपने इरादे से ये मांग सकते हैं तो आपका तो कहने क्या। और मेरी नेक बेटी आपका तो कहने क्या, आप तो बड़े अच्छे घराना में आपने जन्म लिया है, श्रद्धालु घराना, भक्ति प्रिय घराना। आप ऐसे घराने में जाते माँ बाप भगवान के प्यारे हैं, महाराज जी की ओर जिनका ध्यान था, ऐसे नेक घराने में आपने जन्म लिया, बड़ी जल्दी आप अपनी बुद्धि और अंतःकरण को निर्मल करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं तो ये दिखा रहा हूँ आपको, झांकी दे रहा हूँ, इरादा में कितनी शक्ति है, यथार्थ इंकलाब लाता है। सुनते हैं हम वो जादू बोर्ड सिर चढ़ कर बोले, वो तो देखा नहीं जादू जूदू, हम ये जादू देख रही है कि महाराज जी के इरादा में इतनी शक्ति है कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं, और भगवान और कृपा करते रहे क्या से क्या बन जाएंगे। आप अपनी नजर दुड़ा कर देख लीजिएगा, आज से कुछ समय पहले आप क्या थी और अब क्या है। अगर ये परिवर्तन ना होता कभी भी आप इधर पग ना धरते, एक भी पग भवन की ओर आपका ना होता अगर आप में परिवर्तन, ये शानदार परिवर्तन ना आता, आपको आंतरिक शांति न मिलती, आंतरिक चैन और करार न मिलता। ये कैसे मिला? भगवान का प्यारा बनने से। भगवान के प्यारे कैसे बने? इरादा करने से। इरादा कैसे किया? जब जहान और भगवान दोनों में मुकाबला करके आपको भगवान में ठंडक महसूस हुई, जहान से आपका मन उपरा हो गया। मन पुराने किसी भी इरादे और विचार को छोड़ नहीं सकता जब तक के तुलनात्मक यानी कंपेरेटिव स्टडी करते हुए एक को बेटर नहीं पाता और दूसरे को उससे लेस नहीं पाता, तब तक एक दूसरे पहले को छोड़ नहीं सकता। आपने दोनों में मुकाबला किया है भली प्रकार, तो आपने भली प्रकार देख लिया कि ये जो मेरे भगवान का मारे गए भगवान की वाणी है, वो मेरे लिए बहुत कल्याणकारी और बहुत शांतिदायक है। तो क्या हुआ? पहले का आपने त्याग कर दिया, इसको आपने आदर मान से ग्रहण कर दिया। और जहान में सारी जिंदगी यही चलती है, क्या पकड़ छोड़ पकड़ छोड़। जब से हमने होश संभाली है आज तक क्या किया? कई वस्तुओं को पकड़ा फिर छोड़ दिया, क्योंकि हमारी उम्मीद के बरखिलाफ निकले। हमने आशाएं कुछ की थी, बिल्कुल उनके विरुद्ध पाया, हमने छोड़ दिया। फिर और कुछ सेट ऑफ थिंग्स पकड़ी, सेट ऑफ मेन पकड़े, सेट ऑफ थिंग्स एंड बीइंग्स हमने ले लिए, उनको हमने आजमाते रहे, लेकिन अपने अनुकूल नहीं पाया, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस। देन रिनाउंस्ड, देन अगेन न्यू सेट ऑफ थिंग्स एंड बीइंग्स। इसी तरह इंसान करता 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 अब हमारे भाग अच्छे हैं कि हमने अपने महाराज जी के श्री चरणों को पकड़ा है। महाराज जी के अलौकिक दिव्य एवं अत्यंत शांति प्रदायिनी वाणी को हम पकड़ा चाहते हैं। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।